अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर कोई नया दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको रोज़ कश्मीर रिलेटेड और पूरी दुनिया रिलेटेड कंटेंट्स देखने को मिलते ही रहते हैं। दोस्तों, नज़ीर अहमद कासमी साहब एक सुन्नी इस्लामिक स्कॉलर है। दोस्तों, नज़ीर अहमद कासमी साहब की पैदाइश पुंजवा किश्तवाड़ से हुई है। दोस्तों, इसने कुरान पाक को मदरसा अज़हरी अब देवबंद से मेमोराइज किया। दोस्तों, इसके बाद इसने दरसे निज़ामी में दारुल उलूम देवबंद से ग्रेजुएशन हासिल की। इसके साथ साथ इसने वन ईयर का इफ्ताह भी किया। दोस्तों, इफ्ता यानी फतवा जो होता है, दोस्तों नज़ीर अहमद कासमी साहब ने इस्लामिक लॉ में स्पेशलाइजेशन मराठी शरिया पटना से हासिल की। दोस्तों, स्टडीज और रिसर्च के बाद से लेके आज तक नज़ीर अहमद कासमी साहब दारुल उलूम रहीमिया में जिक्र एंड मुफ्ती सर्व करते हैं। दोस्तों, नज़ीर अहमद कासमी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर भी है और इसके साथ साथ ही जनरल सेक्रेटरी मजलिस फिकी जम्मू एंड कश्मीर भी है। दोस्तों, नज़ीर अहमद कासमी साहब को बीकन ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका इंग्लिश साइंस और इकोनॉमिक्स पे बहुत ज्यादा होल्ड है। दोस्तों, यंगस्टर्स नज़ीर अहमद कासमी साहब को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं क्योंकि इसका समझाने का अंदाज बिल्कुल अलग है। ये हर मसले को एक अलग अंदाज और आसान तरीके से समझाते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे उलमाओं को लंबी उम्र अदा करे। तो बस दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेख लदीज नज़ीर अहमद कासमी साहब के बारे में। दोस्तों, चैनल के साथ जुड़ जाना और वीडियो में आप सबका बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया।